नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समर्थन में प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थानी स्नेह मिलन समारोह में संबोधित करते हुए नजर आए और अधिक से अधिक मतों से उन्होंने प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम दिखाई दे रहा है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेसी रंग भेद और नस्लवाद की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में गरीबों की योजनाओं पर इस दौरान कट मनी चलती थी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। कांग्रेसी लाडले राहुल गांधी भी अब ये नारा दे रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इन चुनावों में देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को नकार दिया है और साथ ही जमानत पर बाहर घूम रहे विपक्षी नेताओं पर अब आम जन विश्वास नहीं करता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर बात करें तो राजस्थान में तो लोकसभा की 25 सीटों पर मतदान हो चुका है, ऐसे में दूसरे राज्यों में वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जब इस दौरान यहाँ पर मंच पर वो बोले तो लोगों ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया और जिस तरीके से वो एक के बाद एक भाषण दे रहे हैं, लोग उनकी तारीफ करते हुए भी थक नहीं रहे हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है प्रथम और सेकंड चरण के जो चुनाव है वो निपट चुके हैं। उसके बाद जो है राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जितने भी राजस्थान में हैं उन सभी को जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियां देके एक रणनीति के तहत पूरे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भेजे जा रहे हैं, अदर स्टेट में भेजे जा रहे हैं और वहां पे जो है मुख्यतः जो इनका टारगेट है वो है राजस्थानी, जो प्रवासी राजस्थानी है जो राजस्थान से जाकर वहां रह रहे हैं, दूसरे राज्यों में अपना व्यापार कर रहे हैं, उनकी काफी संख्या है, काफी बड़ा समुदाय है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम है और व्यापार से जुड़े हैं तो वहां के स्थानीय लोगों से भी वो काफी जुड़े हुए हैं। उसी चीज को साधने के लिए जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी ऐसा कर रही है कि प्रवासी राजस्थानियों को किस तरीके से जो है साधा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लगातार जो है अदर स्टेट में जा रहे हैं, वो दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर अन्य स्टेट हो जहाँ चुनाव हो रहे हैं तीसरे चौथे चरण के पांचवे चरण के, वहां पे जो है वो लगातार जा रहे हैं और वहां पे जो है राजस्थानी को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान के लोग अपने राजस्थानी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लालायित है और लगातार जो है वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और जो टारगेट यहाँ तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, साथ ही 400 सीटें साधने का, एनडीए 400 पार वाला जो नारा है उसको जो है कंप्लीट करने के लिए पूरे लक्ष्य के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल, 400 सीटों को साधने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता लगे हुए हैं और एक के बाद एक प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तो मंच से प्रहार किया ही, इसके साथ ही इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि ये इंडी गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है जिसको देश की जनता ने पहले ही नकार दिया है और एक बार फिर वो मोदी की गारंटी पर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, विश्वास है। मैं यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है, पूरा जो अब तक का चुनावी कैंपेन, उसमें हमने देखा है कि वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्यों के अलावा कहीं नहीं गए। विपक्ष भले ही उन्होंने जो है काफी निशाने साधे हैं, विपक्ष के जो कारनामे हैं उनको उजागर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मोटिव रहा वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्यों को रहा और यहाँ पे जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी जहाँ विपक्षी गठबंधन पे निशाना साधा वहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार के पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी की 10 साल के कार्यकालों का उल्लेख करते हुए जो है नरेंद्र मोदी को पुनः जो है प्रधानमंत्री बनाने की अपील करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे 2047 का जो नरेंद्र मोदी का विजन है उसके बारे में बात की है, तो लगातार जो है राजस्थान के नेता 400 पार वाले दावे को जो है मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और राजस्थान के जो नेता है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं।
जी रेशु जी बने रहिए रूपनारायण, आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोकसभा क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी के समर्थन में प्रचार करती हुई नजर आई। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोज तिवारी जहां भोजपुरी फिल्मों में एक सुपरस्टार के रूप में पहचान उन्होंने बनाई, वहीं राजनीति में ये विकास के पर्याय बने, अभिनेता से नेता बने। मनोज तिवारी ने दिल्ली में पार्टी को मजबूत बनाते हुए पार्टी के विचारधारा और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया और विकास को नया आयाम दिया। भारत महिला नेतृत्व वाला विकास में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। नारी शक्ति नए भारत की पथ प्रदर्शक बन रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में अब नीति निर्धारण में भूमिका निभा रही हैं। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा को समर्पित रहे, आगामी 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अगर बात करें मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी ने हर क्षेत्र में एक मुकाम पर वो पहुंचे हैं, चाहे बात उनके अभिनेता से नेता बनने की यहां पर रही हो। और यही बातें मंच से दिया कुमारी भी कहती हुई नजर आ रही थी कि मनोज तिवारी ने जिस भी क्षेत्र में काम किया उस क्षेत्र में जनता का खूब प्यार उनको मिला है। देखिए रेसो, मनोज तिवारी एक जाना पहचाना चेहरा है और एक अभिनेता वो है, भोजपुरी फिल्मों के जो है अभिनेता है, तो एक राजस्थान दिल्ली में भी उनकी पहचान है, पूरे देश में जो है मनोज तिवारी को बाई फेस जाना जाता है कि अच्छे अभिनेता है। पर अभिनेता के साथ साथ यहाँ पे जो कहा जा रहा है, दिया कुमारी उनकी प्रशंसा करी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और आज की तारीख में जो है काफी शक्तिशाली पावरफुल नेता है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान से। उन्होंने जो है लगातार अदर स्टेट में जाके प्रचार प्रसार किया भारतीय जनता पार्टी का, उसी कड़ी में यहाँ पहुंची है वो तिवारी के यहाँ समर्थन में करने के लिए। और तिवारी का जो है वहाँ उन्होंने उल्लेख किया है कि वो चाहे राजनेता रहे हो या अभिनेता रहे हो, दोनों ही रूप में जो है उन्होंने दो पारियां खेली और दोनों ही पारियों में जो है वो सफल रहे हैं। लगातार जो है उनको पुनः जिताने का यहाँ पे आह्वान दिया कुमारी ने किया है, राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है। और खासकर जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग जो आधी आबादी है उसको साधने के लिए जो है इन्होंने महिला नेताओं को आगे किया है, और उसी महिला नेत्री ने जो राजस्थान में भी काफी पॉपुलर है, राजस्थान के तमाम चुनावों में वो लगातार मेहनत करती नजर आई थी। राजस्थान के चुनाव निपटने के बाद उन्हें जो है अदर स्टेट में भेजा जा रहा है, और खास करके महिलाओं को साधने के लिए भेजा जा रहा है, और वो लगातार जो है महिलाओं के बीच जाकर जो है महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है, उनका उत्साह बढ़ा रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है कि वो लगातार मेहनत करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना समर्थन है। बिल्कुल। और रूप नारायण, देखिए कि आज मनोज तिवारी के लिए वोट मांगती हुई यहां पर नजर आ रही हैं दिया, और इससे पहले, क्योंकि आपको याद ही होगा कि मनोज तिवारी पहुंचे थे जयपुर और जब दिया कुमारी के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे, मंच से उन्होंने कई गाने भी गाए थे और उन्होंने कहा कि जयपुर की बेटी दिया एक नया इतिहास रचने वाली है। और जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद देखिए कि लगातार एक्टिव होती हुई दिया कुमारी नजर आ रही हैं और अब मनोज तिवारी के लिए वो वोट मांगती हुई नजर आई। देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा रेशु कि दिया कुमारी आज वो चेहरा है जो कभी यहाँ पे राजस्थान में वसुंधरा हुआ करती थी। वसुंधरा के बाद जो है एक भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह रिप्लेस किया, दिया कुमारी को जो है लगातार अच्छी पोस्ट दी, उप मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है पार्टी की सेवा के लिए उन्हें आगे किया और पार्टी के लिए वो लगातार जो है यहाँ मेहनत कर रही है। राजस्थान में तो लोकप्रिय है ही, साथ में जो है वो प्रदेश के देश के हर हिस्से में जारी है और हर हिस्से में जाकर वहां की महिला कार्यकर्ताओं के बीच जो है जमकर मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए, अपना पूरा सामर्थ्य वो दे रही है वहां पे। लगातार एक ऐसा चेहरा जो राजस्थान में चमका और राजस्थान में जो चमकाने के बाद है उसे पूरे नेशनल स्तर पे जो है आज आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है दिया कुमारी को एक बड़े नेता के रूप में राजस्थान की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। जी रूप नारायण, बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।
और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एमसीडी कम्युनिटी सेंटर पार्क में आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन में सहभाग कर जनसभा को संबोधित किया। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वात्सल्य, धैर्य, त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति समस्त माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देश की समस्त माओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे श्रद्धा केंद्रों को फिर से सजाने का कार्य किया है। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन की लाभार्थी भी है। भारत के लिए ये अमृतकाल चल रहा है और ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, राज्यवर्धन राठौड़ ने इस दौरान युवाओं को संबोधित किया और क्योंकि कल मातृ दिवस था और ऐसे में तमाम माताओं का उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अगर यहां पर बात करें क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ की बात करें जनसभा में या किसी भी अन्य बीजेपी के नेता की बात करें, अगर यहां पर बात करते हैं तो लगातार मोदी की गारंटियों को लेकर ही पूरे देश भर में चर्चा चल रही है और अभी तक 10 साल में कितना विकास, कितने कार्य बीजेपी ने किए हैं ये गिनवाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे नजर आ रही है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा दिल्ली की कुर्सी पर तो कांग्रेस ही बैठी है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं अपनी जो उपलब्धियां हैं 60 साल की उनको गिना नहीं पा रही है। जी बिल्कुल रसु, यहाँ पे देखिए एकदम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है। मैंने पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्य दो चीजें हैं, एक चेहरा नरेंद्र मोदी का जो लगातार 10 साल से जीतता रहा और दूसरा उनके 10 साल के कार्यकाल। 10 साल के कार्य में जो काम किया, यहाँ पे मात्र दिवस के रूप में यहाँ महिलाओं के बीच गए हैं, युवा मोर्चा का ये प्रोग्राम था, क्योंकि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ जो है एक खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी के तौर पे जो है युवा उन्हें काफी पसंद करते हैं, तो युवाओं के बीच उन्होंने जाकर जो है युवाओं का हौसला अफजाई किया। वहीं पे जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति क्लियर चली आ रही है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्य। देखिए राजस्थान में विधानसभा चुनाव है 2023, तो उसमें भी जो है उन्होंने केवल और केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा, पूरे चुनाव का जो है नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी ने किया। पर्दे के पीछे लगातार वो राजस्थान में आए भी और राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान जो है अब तक राजस्थान का चाहे कोई भी नेता रहा हो उन्होंने नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्यों के अलावा कुछ नहीं बोला। विपक्ष में भले ही वो कितने ही साधने निशाने साधे उन्होंने विपक्ष से, लेकिन जो है पूरा तमाम आपका इनका जो अब तक का रणनीति रही वो सारी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के कार्यों के ऊपर रही 10 साल के उनके कार्यों पे। यहाँ मातृशक्ति में भी उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए निश्चित रूप से जो है नरेंद्र मोदी ने चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो या हर घर जल योजना रही हो, फिर तमाम चीजें या फिर लखपति दीदी योजना रही हो, तो महिलाओं को जोड़ने का काम यहाँ पे किया है। नरेंद्र मोदी खुद जो है अपनी जब तक उनकी माताजी रही वो माताजी से लगातार जुड़े रहे और उनके जो कार्य थे उनके जो बर्ताव थे वो तमाम चीजें एक उदाहरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है यहाँ पेश कर रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पिछले 17 साल का जो चुनाव उनका जो कार्यकाल रहा उन कार्यों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो बखान नहीं कर पा रहे, लेकिन वो जो है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल का और नरेंद्र मोदी के जो अब तक के कार्य हैं उन्हीं पे वो निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे जो है उनका कांग्रेस का आरोप यही है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, तो उनका जो है मैं उद्देश्य या टारगेट में कहूँ तो वो युवा महिला और किसान वर्ग रहे हैं उनपे जो है उन्होंने लगातार वहाँ कांग्रेस जो है वार पे वार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित जो पैराग्राफ इन्होंने बना रखा है उसी पे चल रही है नरेंद्र मोदी और उनके कार्यकाल से। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।
और उधर जयपुर में एयरपोर्ट के बाद अब कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के ईमेल आईडी पर ये धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। इसमें लिखा गया है कि स्कूल की बिल्डिंग में बम है जो कि फटने वाला है। मेल मिलते ही स्कूलों में हड़कंप मच गया। तुरंत सभी छात्रों को क्लास से बाहर निकाला गया, फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सबसे पहले धमकी भरा ईमेल मोती डंगरी स्थित एमपीएस स्कूल को मिला। प्रिंसिपल की सूचना पर बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मेल करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी की जानकारी निकाल रही है। पुलिस ने बताया कि कई स्कूलों को ऐसी धमकी मिली है। सभी स्कूलों में पुलिस की टीमों को भेजा गया है। हर जगह जांच की जा रही है। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, जयपुर के कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर सुबह सुबह स्कूलों के प्रिंसिपलों को ये ईमेल आया है, क्या कोई अभी तक कोई जानकारी किसकी तरफ से ये मेल भेजा गया था? देखिए, जो मेल जो है वो आई है उसको तो पुलिस सर्च कर रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जयपुर की 6 जो बड़ी स्कूल हैं उनको ये ईमेल भेजा गया था और ईमेल के जरिए ये कहा गया था कि उन्हें जो है स्कूलों में बॉम्ब लगा दिए हैं और बॉम्ब से स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। तो सतर्कता के चलते जो है स्कूल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जो है सारा काम संभाल लिया है। सारे स्कूलों को खाली कर दिया गया, स्टाफ सहित बच्चों को बाहर कर दिया गया और वहां सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल जो है कहीं से कोई ऐसी सूचना अभी नहीं है कि किसी तरीके का बॉम्ब या वहां मिला हो या वो कर रहे हैं। पुलिस क्योंकि लगातार सर्च कर रही है और वो अपना जो है मामला दर्ज करने के बाद जांच भी शुरू करेंगी। फिलहाल जो है पुलिस स्कूलों में तमाम जगहों पे सर्च कर रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सतर्कता बस जो है वो सारी जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगी। फिलहाल पुलिस जांच में लगी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है कि पहले कहा जा रहा था, जैसे कि रूपनारायण अभी आपने भी बताया कि 6 स्कूल हैं, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि 37 ऐसे स्कूल हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से ये स्कूल हैं जो 6 स्कूल आप बता रहे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली? देखिए, इसमें है जयश्री पेडीवाल है, आपके एमपीएस स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं जयपुर के, उन स्कूलों को ये धमकी दी गई है। संस्कार स्कूल हैं, इनमें जो इनके दो दो तीन तीन ब्रांच है, उन तमाम ब्रांचों में जो है ईमेल आने के बाद सतर्कता और पुलिस ने सारा अपना अंडर कंट्रोल कर लिया है। पूरे जो कैंपस स्कूलों के हैं वहां पे पुलिस पहुंच गई है और पूरा कैंपस को अपने कंट्रोल करके जो है सर्च अभियान वहां चलाया जा रहा है। स्कूल का तमाम स्टाफ और बच्चों को जो है स्कूल से बाहर कर दिया गया। कई परिजन वहां पे जैसे ही सूचना मिली पहुंच गए और काफी जो है वहां पे भागम भाग नजर आया, हंगामा नजर आया। कई जो परिजनों से हमने बात भी की, परिजनों को भी बड़ी चिंता सता रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो है अभी किसी के कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कहीं बम मिला हो या फिर कहीं पे जो है किसी को नुकसान पहुंचा हो। जी रेसु, धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए रूप नारायण। जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस बड़े उत्सव और उमंग के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और जोधपुर स्थापना दिवस समिति की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह ने की, तो वहीं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पूर्व महारानी हेमलता राजे ने भी हमेशा की तरह कार्यक्रम में शिरकत की। कला संस्कृति और विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारवाड़ रत्न से भी विभिन्न प्रतिभाओं को नवाजा गया। उधर राजधानी जयपुर के आकेड़ा डूंगर स्थित वर्क्स फॉर आर्टिस्ट फाउंड्री में शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन के सौजन्य में धातु की मूर्तियों पर 7 दिवसीय मेटल इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन इस दौरान किया गया। इस प्रोग्राम का उद्घाटन विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट हिम्मत शाह और राजकुमार पंडित ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम संयोजक शिल्पा पंडित ने बताया कि 12 से 18 मई तक आयोजित इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पहली बार देश के प्रसिद्ध आर्ट कॉलेज के पीजी स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य देश विदेश में आर्ट एंड कल्चर से जुड़े स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, साथ ही स्टूडेंट को निःशुल्क प्रशिक्षित करके उन्हें इस कला में पारंगत करना मुख्य उद्देश्य है।
मुंबई पुलिस ने जोधपुर में सर्विस सेंटर की आड़ में चल रहे ड्रग्स फैक्ट्री पर रेड मारकर करीब 104 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। जोधपुर के मोगड़ा स्थित इस फैक्ट्री में लगभग 68 किलो ड्रग्स का उत्पादन किया जा रहा था। फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि जानकारी के अनुसार मुंबई में सप्लाई हो रही ड्रग्स का कनेक्शन जोधपुर से होने का इनपुट था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जोधपुर पहुंचकर ड्रग्स फैक्ट्री पर रेड मारी। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही 4 अन्य फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लोकल पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री का संचालन मोगरा निवासी भारमल जाट कर रहा था। अब तक 104 करोड़ 25 लाख 70 हजार का सामान जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार भारमल को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उधर विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र के कान्हा रेस्टोरेंट में होटल के कमरे में एक युवक अचेत अवस्था में मिला। विराटनगर एएसआई श्रवण सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर युवक प्रहलाद रात के समय होटल में कमरा लेकर रह रहा था, लेकिन सुबह होटल कर्मियों को सूचना पर जब मौके पर पहुंचे तो खिड़की में देखने पर कमरे का पंखा और बाथरूम का नल खुला हुआ मिला। युवक को दरवाजा खोलने के लिए कहा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिसकर्मी जब कमरे में दाखिल हुए तो युवक बाथरूम में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विराटनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर तारानगर के चौधरी एमएस मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में इस दौरान रविवार को मेगा टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 12 से उत्तीर्ण सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय के निदेशक राजवीर चौधरी ने बताया कि कला, विज्ञान और वाणिज्य में एडमिशन लेने वाले बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी और 20 मई को मेगा टेस्ट का परिणाम जारी किया जाएगा, जिसमें उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 10 छात्र छात्राओं को 50% 80% छूट भी दी जाएगी और मेगा टेस्ट में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थी 10% की छूट रहेगी। इस प्रकार एससी एसटी बीपीएल सहित विकलांगता वाले बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी। वहीं टेस्ट देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि चौधरी एमएस मेमोरियल पीजी कॉलेज की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की गई है, जो सराहनीय है। बड़ौदा मेव थाने में पशुपालक ने अज्ञात चोरों के बकरे चोरी करने का मामला दर्ज कराया है, जिनकी कीमत करीब 90,000 रूपये बताई जा रही है। क्षेत्र में पशु चोर गिरोह सक्रिय है। अहमदबाज निवासी पशुपालक तहमाल खान ने बताया कि रात में अज्ञात चोरों ने उसके पशु बाड़े से 4 बड़े और 2 छोटे बकरे चुरा लिए, जिनकी कीमत पीड़ित ने करीब 80 से 90 हजार रूपये बताई है। पीड़ित ने बताया कि रोज की तरह रात को बकरे को बाड़े में बांधने का कार्य किया था और रात करीब 1 बजे चोर बकरे को चुरा ले गया। फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।